हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं भारती स्वागत करती हूँ फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको एक ही छत के नीचे लगभग 150 प्रकार की मशीनें दिखाने जा रही हूँ। ऐसी मशीनें दिखाने जा रही हूँ, अगर आप घर में लघु उद्योग स्टार्ट करना चाहते हो या अपने ग्रामीण इलाके में कोई नया और यूनिक बिजनेस करना चाहते हो तो इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक एक मशीन की जानकारी दूंगी और जानकारी दूंगी कि किस प्रकार से आप अपने क्षेत्र में लघु उद्योग स्टार्ट कर सकते हैं, रॉ मटेरियल आपको क्या लेना है, लागत कितनी लगने वाली है, इन सब की जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आइए दोस्तों एक एक मशीन के बारे में जान लेते हैं और देख लेते हैं किस प्रकार से मशीनें हैं। तो ये जो आप मशीन देख रहे हो ये सीमेंट ईंट बनाने की हाइड्रोलिक मशीन है। इस मशीन के द्वारा आप इस प्रकार से सीमेंट ईंट बना करके तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर जो सीमेंट ईंट बन करके तैयार होती है वो एकदम फिनिशिंग से बन करके तैयार होती है। इस हॉपर के अंदर आपको रॉ मटेरियल डालना होता है, डालने के बाद इस डाई के अंदर रॉ मटेरियल जाता है और फिर इस प्रकार से हम इसको आगे खिसकाएंगे और इस प्रकार से ब्रिक्स बन करके तैयार होती है। दोस्तों अगर हम इस ब्रिक्स को बनाने की कॉस्ट की बात करें तो ये जो ब्रिक्स बन करके तैयार होती है ये 300 से 350 रुपये में बन करके तैयार होती है। जब आप इसे सेल करते हो तो ये 5 से 6 रुपये की बिकती है, कहीं जगह 7 रुपये की, कहीं जगह 8 रुपये की, अलग अलग लोकेशन के हिसाब से इसकी प्राइस अलग अलग आती है। अगर आप पर डे इस मशीन के द्वारा 4 से 4.5 हज़ार सीमेंट ईंट भी बनाते हैं और 1 से 1.5 रुपये मुनाफा लेकर भी चलते हैं सब कुछ खर्चा निकालने के बाद एक सीमेंट ईंट पर, तो पर डे आप 4 से 4.5 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकते हैं। दोस्तों अगर हम नेक्स्ट मशीन की बात करें तो ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये गो कास्ट मशीन है, गोबर से लकड़ी बनाने की मशीन है। इस मशीन के द्वारा आप अलग अलग प्रकार से गोबर से लकड़ी बना करके तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर चौकोर बना सकते हैं, आप चाहें तो इसके अंदर गोल बना करके तैयार कर सकते हैं। और गोबर की लकड़ी का उपयोग आप जानते हैं कि शमशान घाट के अंदर इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है, या फिर आप देख लो कि शादी समारोह जहाँ हवन होता है वहाँ पर गोबर की लकड़ी का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। दोस्तों इसके अंदर रॉ मटेरियल की भी कोई झंझट नहीं है। अगर आपके गांव क्षेत्र में पशु हैं, गाय है, भैंस है, तो आप वहां से रॉ मटेरियल ले सकते हो। अगर आपके यहां पर गौशाला वगैरह है तो आप वहां से भी गोबर को लेकर के और इस होपर के अंदर डाल करके इसके अंदर लकड़ी बना करके आप अपना उद्योग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के मिक्सर मिलेंगे। इस प्रकार के आप देख रहे हो कि यहाँ पर रोलर मिक्सर हो गया, या आप देख लो छोटे मिक्सर आपको मिल जाएंगे। आपको अलग अलग साइज के अंदर यहाँ पर ब्रिक्स का जो रॉ मटेरियल होता है वो आप इन मिक्सरों के द्वारा मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये मैनुअल हाइड्रोलिक मशीन है। इस मशीन के द्वारा पर डे 3 से 3.5 हज़ार सीमेंट ईंट बना करके तैयार कर सकते हैं। दोस्तों इस मशीन के अंदर 6 ईंट वाली डाई लगी हुई है, आप 6 ईंट बना करके तैयार कर सकते हैं। रॉ मटेरियल आपके आसपास के क्षेत्र में मिल जाता है। आप देख लो फ्लाई ऐश हो गया, सीमेंट हो गया, डस्ट हो गई, रेत हो गई, पानी हो गई, इन सब रॉ मटेरियल से आप सीमेंट ईंट बना करके तैयार कर सकते हैं। दोस्तों सीमेंट ईंट का एक ऐसा बिजनेस है, अगर आप गांव क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में छोटे स्तर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस मशीन को लगा सकते हैं। ये जो मशीन है मैनुअल मशीन है, इसके अंदर एक बार में आप 4 सीमेंट ईंट बना करके तैयार कर सकते हैं। रॉ मटेरियल आपको सबके अंदर सेम लेना है, इसके अंदर प्रोडक्शन का फ़र्क पड़ता है। इसके अंदर पर डे आप 2 से 2.5 हज़ार सीमेंट ईंट बना करके तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर इस प्रकार से खुरदरी ब्रिक्स बन करके तैयार होती है। अगर आपको खुरदरी ब्रिक्स बनानी है, आपके एरिया में खुरदरी चलती है, तो आप इस मशीन को लगा करके सीमेंट ईंट बना करके तैयार कर सकते हैं। अगर हम इसके अंदर लेबर की बात करें तो 4 लेबर की आवश्यकता रहती है। 4 लेबर को लगा करके आप अपना उद्योग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों बिजनेस ऐसा करना चाहिए, ऐसी मशीन लगानी चाहिए जिससे अनेक प्रकार का प्रोडक्ट बन करके तैयार हो। अगर आपके क्षेत्र में इंटरलॉक चलता है, ब्लॉक चलता है, सीमेंटेड चलती है, जिगजेट चलता है, तो आप एक ही मशीन के द्वारा ये सब बना करके तैयार कर सकते हैं। सिर्फ आपको डाई चेंज करने की आवश्यकता रहती है। दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट मशीन है वो है पत्तल धोने की मशीन, मैनुअल मशीन है। आप इस मशीन के द्वारा पत्तल धोना बना करके तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बड़ी मशीन लगा करके भी अपना उद्योग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों पत्तल धोना हर शादी समारोह में, हर एक फंक्शन में पत्तल धोने का उपयोग किया जाता है, तो आप पत्तल धोने का बिज़नेस करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि पत्तल धोने का बिज़नेस फेल है, आज के समय में नहीं चल रहा है, लेकिन दोस्तों इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर आप मार्केट सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि पत्तल धोने का बिज़नेस कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट मशीन है वो है, ये जो मशीन है ये रस्सी बनाने की मशीन है। आप इस मशीन के द्वारा अलग अलग प्रकार की रस्सी बना करके तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम इसके मार्केट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसका मार्केट कितना ज़्यादा अच्छा है। इसके अंदर कॉम्पिटिशन बिल्कुल कम है, लेकिन मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है। आप रस्सी का उपयोग कपड़े
सुखाने से लेकर के बड़ी बड़ी इंडस्ट्री कंपनियों तक आप रस्सी का मार्केट देख सकते हो और बहुत ही अधिक सेल होने वाला प्रोडक्ट है। हमारी जो नेक्स्ट मशीन है वो है जूसी पाउच मशीन। आप गर्मियों के सीजन में देखते हो कि इस प्रकार के जो जूस होते हैं वो बच्चों का जो प्रोडक्ट होता है, बच्चे बहुत ही ज़्यादा ऐसे खाना पसंद करते हैं। इस प्रकार का आप देख लो या फिर आप बोतल वाला देख लो, वो आप इस मशीन के द्वारा मल्टीपल प्रोडक्ट बना करके तैयार कर सकते हैं। और गर्मियों के सीजन में ही नहीं, आप चाहें तो इसे सर्दियों के सीजन में भी, आप देख लो जो सॉस पैकिंग हो गई, आप इसके अंदर किसी भी प्रकार का लिक्विड करना चाहते हो तो आप इस मशीन के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है कि हम इस प्रकार का बिजनेस करें तो सही तो रॉ मटेरियल कहाँ से लेंगे, हमारे क्षेत्र में रॉ मटेरियल नहीं मिलता है, कहीं लोग ये कहते हैं, तो रॉ मटेरियल भी आप हमारी कंपनी से परचेस कर सकते हैं या हम कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड करा देते हैं ताकि आप वहाँ से भी रॉ मटेरियल ले सकें। ये जो रॉ मटेरियल है बहुत ही सस्ता मिलता है और बहुत ही अच्छा मिलता है और बहुत ही शानदार चलने वाला बिजनेस है। इस बिज़नेस को लगा करके आप पर डे 5 से 6 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, डिपेंड करता है आप मार्केट में किस प्रकार से सेल करते हैं। आप एक छोटे से छोटे केबिन से लेकर बड़े से बड़े आप दुकानदार पर भी इस प्रकार का प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट मशीन है वो ब्रूम झाड़ू बनाने की मशीन है। इस मशीन के द्वारा आप अलग अलग प्रकार के झाड़ू बना करके तैयार कर सकते हैं। आप इस मशीन के द्वारा बैट हो गया, बॉल हो गई, वो बना करके तैयार कर सकते हैं। अगर हम इसके अंदर इस प्रकार के आप देखते हैं कि ये बैट हो गया और ये इस प्रकार के आप झाड़ू बना कर, झाड़ू की जो पीछे की स्टिक होती है वो आप बना करके तैयार कर सकते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही चलने वाला बिजनेस है क्योंकि बैट बॉल बच्चे कभी भी खेलना बंद नहीं करते हैं और झाड़ू हर एक घर में झाड़ू का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इस मशीन के द्वारा भी आप काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट बना करके और इसके अंदर आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट है, मल्टीपल बिजनेस है। दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट मशीन है वो है मिट्टी की ईंट बनाने की मशीन। कहीं लोगों के यहाँ पर जो है वो सीमेंट ईंट का उपयोग नहीं किया जाता है, वहाँ पर भट्टे लगे हुए होते हैं तो वो मिट्टी की ईंट ही बनाते हैं, तो आप चाहे तो मिट्टी की ईंट बना करके तैयार कर सकते हो। दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट मशीन है वो है चैन लिंक मशीन। चैन लिंक जो गाँव में खेतों के अंदर बाउंड्री के लिए जिन तारों का उपयोग किया जाता है वो आप इस मशीन के द्वारा बना करके तैयार कर सकते हैं। दोस्तों इस मशीन के द्वारा कांटेदार तार बन करके तैयार होता है और इसके अंदर कंपटीशन बिल्कुल कम है और मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है। दोस्तों अगर हम इसके अंदर प्रोडक्शन की बात करें तो एक दिन में इसका जो प्रोडक्शन होता है वो 1 टन का प्रोडक्शन होता है। दोस्तों जैसे कि अभी आपने सारी मशीनों का प्रोसेस देखा, मैंने आपको एक एक मशीन के बारे में बताया कि कैसे आपको स्टार्ट करना चाहिए, आपके गांव क्षेत्र में बहुत ही अधिक चलने वाला है। कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं, आप हमारी कंपनी विजिट करना चाहते हैं, भीलवाड़ा राजस्थान के अंदर हमारी कंपनी है, रेलवे स्टेशन से महज 5 मिनट का रास्ता है, आप यहाँ पर आए, विजिट करें, ट्रेनिंग लें। सबसे पहले आप ट्रेनिंग लेना सीखें कि किस प्रकार से आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, किस प्रकार से प्रोडक्ट बनाना चाहिए। जब आप प्रोडक्ट बना करके तैयार करेंगे तब आप यहाँ से मशीन परचेस करके ले जाएं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, आप भी करना चाहते हैं, इसकी और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं। डिस्प्ले पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप कभी भी कॉल करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों हो सकता है आपके मन में कोई सवाल हो, आप हमसे पूछना चाहते हैं या फिर मैंने नहीं बताया हो तो उसके बारे में आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस बिज़नेस के बारे में आपको जानकारी चाहिए, वो बिज़नेस हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आएंगे। दोस्तों हमारा उद्देश्य आपको रोज़गार प्रोवाइड कराना है ताकि आप भी रोज़गार करें और आपके आस पड़ोस वालों को भी रोज़गार दें ताकि आपकी वजह से कोई और भी रोज़गार कर पाएँ। अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया है, तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए बिज़नेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।